तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले एपिसोड में मिंचन और चॉप के बाद अचानक से शिनचैन भी उसके कंट्रोल में आ गया था। फिर वो डांसिंग लेडी अचानक से हमारे सामने आ जाती है और उसके साथ वो तीनों भी। हम लोग जैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़वा के सीधा घर की तरफ भागते हैं, पर बीच गांव में हमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखते जो उसके कंट्रोल में। फिर ये सब होने के बाद जब दूसरे दिन मैं शिनचैन और मिंचन को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि वहां का पूरा स्टाफ ही उस चुड़ैल के कंट्रोल में। अब देखते आगे क्या होता है। अरे बापरी, ये तो मेरे स्कूल के प्यून अंकल है, और जरा इस साइड तो देखो, ये तो हमारे मैथमेटिक के टीचर है, वहाँ पीछे पीटी टीचर खड़े है, और ये हमारे हिस्ट्री वाले क्लास की मिस है, ये सबके सब उसके कंट्रोल में है। वो तो दिन ब दिन अपनी ताकतों को बढ़ाते ही जा रही है, पता नहीं हमसे बदला लेने के लिए और क्या क्या करेगी। अब तो मुझे डर लगने लगा है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा फ्रैंकलिन भैया, वरना पूरा शहर उसके कंट्रोल में आ जाएगा। अरे इनको छोड़ो, जरा यहाँ तो देखो, यहाँ तो सारे बच्चे भी उसके कंट्रोल में है, यहाँ तक के मोंटू भी। लगता है मोंटू के पापा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। अरे क्या बच्चे क्या बड़े, वो सबको कंट्रोल में कर रही है, अगर वो बच्चों को छोड़ रही होती तो तुम्हें कंट्रोल में नहीं करती। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे एक चीज याद आई, मेरा दोस्त एक बाबा को जानता है जो इन सब से पीछा छुड़वाने में मदद कर सकता है। जल्दी से उसे कॉल करता हूँ। हेलो सैम, तुझे याद है तूने एक दिन मुझे एक बाबा के बारे में बताया था? अरे हाँ बताया था। तू प्लीज उनका एड्रेस या नंबर दे सकता है मुझे? नहीं, उनका नंबर या एड्रेस तो नहीं होगा मेरे पास। तू एक काम कर, माउंट चिलियट के आसपास जितने भी पहाड़ है वहाँ पर जाके ट्राई कर। अच्छा ठीक है। शिनचैन, चॉप, मिंचन, मेरी बात सुनो, अभी हमें तुरंत निकलना होगा। चलो आ जाओ फटाफट गाड़ी के अंदर। चॉप तू भी यार यहाँ पर खड़ा मत रहे, हमारे पास टाइम काफी कम है। अच्छा ठीक है, अब तो बैठो। अरे वैसे एक बात तो बताओ, कि हम लोग जा कब पर रहे है, पता तो होना चाहिए ना? हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों के साइड। अरे पर क्यों, इतना थक गए हो क्या कि अब जाके संन्यास ले लोगे? अरे यार चॉप, मैं कोई संन्यास नहीं ले रहा हूँ। हम लोग एक बाबा जी को ढूंढने जा रहे हैं जो कि ऐसे डांसिंग लेडी जैसे जो लोग होते हैं ना उनसे पीछा छुड़वाने के लिए मदद करते हैं। अरे फिर तो हमें उनके पास पहले जाना चाहिए था। देख मुझे इन सब बातों में ज्यादा भरोसा नहीं है, आज पता चली जाएगा कि वो कितने ज्ञानी है। वैसे भी हम लोग कर ही क्या सकते है, हमने सब कुछ करके ट्राई कर लिया है, अब बस ये आखिरी रास्ता बचा है, काश के ये भी काम कर जाए। चॉप यार तू एकदम सही बोल रहा है, मैं भी यही चाहता हूँ। अरे सबसे पहले तो उसने हमारा जीना हराम कर दिया है, पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा था। देख अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर पिछली रात जो तूने और मिंचन ने किया है ना उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। अरे पर हमने तो बस पादा था। अरे पर शिनचैन भैया फिर भी किसी के ऊपर ऐसे पादना अच्छी आदत थोड़ी ना है, ये बैड मैनर्स में आता है। पहले कर दो फिर बड़े बड़े डायलॉग मार के सिंपैथी गेन कर लो। तुम चाहते क्या हो कि लोग बस तुम्हें प्यार करे, तुम्हें कोई गंदी आदत नहीं है? अरे नहीं चॉप भैया ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी थी। मिंचन यार ये अच्छे बनने का नाटक बंद कर दो, तुमने बस पादा है और वैसे भी उस चीज को कौन नहीं रोक सकता है, पाद तो अपने आप निकल जाता है। हाँ चॉप तेरे लिए तो छोटी बात होगी भाई, तू तो घर के अंदर हक देता है तो फिर मैं क्या ही बोलूं। अरे ये क्या बात हो गई। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ पर क्यों रोका है? उतर तो सही पहले। देख हम लोग सबसे पहले इस पहाड़ पर चढ़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी चढ़ाई कौन करेगा? हम सब लोग करेंगे, जाने को तो मैं अकेला भी जा सकता हूँ पर तुम लोगों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। अरे यार इतना ऊपर चढ़ने से अच्छा तो गायब ही हो जाते हैं। नहीं नहीं अभी मैं और सहन नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अरे अच्छा ठीक है, हम लोग तैयार है, पर क्या गारंटी है कि बाबा ऊपर साइड मिल जाएंगे हमें? वो तो अब जाने के बाद ही पता चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, मिले तो मिले वरना पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। अरे अगर मेहनत ईस्ट की तरफ भी चली गई ना फिर भी बाबा मिली जानी चाहिए। अरे यार वेस्ट वेस्ट नहीं बोला मैंने, वेस्ट बोला था, मतलब कि मेहनत खराब जाएगी बर्बाद। अरे तो इसे सब सब बोलो ना, इंग्लिश बराबर नहीं आती क्या? मैंने तो बराबर ही बोला था भाई, तूने बराबर सुना नहीं है या फिर तुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पढ़ाई पे तू ध्यान देता नहीं है। अरे अभी कहा पढ़ाई की बात छेड़ रहे हो, जो मामला है उस पर ध्यान दो ना। मैं तो उसी पर ध्यान दे रहा हूँ, और मिंचन तू थोड़ा साइड में चल, इतना किनारे पे मत चल गिर जाएगा। चलो गाइस जैसे तैसे करके थक हार के हम लोग पहाड़ के ऊपर तो पहुंच ही गए। सबसे पहले मैं माउंट चिलियट पर ही आया हूँ, मैंने सोचा कि अगर चलना ही है तो सबसे ऊंचे वाले पर चलते हैं। एक मिनट, वहां पर कोई दिखाई तो दे रहा है। शिनचैन मुझे लगता है वो बाबा हमें मिल गए। अरे क्या बात कर रही हो फ्रैंकलिन भैया? ये देख वो रहे वहां पर मेडिटेशन कर रहे। अब यार इनको डिस्टर्ब करने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है। बाबा जी जरा आप हमारी बात सुनेंगे? अबे यार ये तो ध्यान में लीन है। अरे तो थोड़ा जोर से चिल्लाओ ना, ऐसे तो हमें बहुत चिल्लाती हो। बाबा जी जरा मेरी बात सुन लो। ये कौन है जिसने हमारी तपस्या भंग की है? कौन हो बालक तुम, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? अरे नहीं नहीं मैं बहुत जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा बताओ पुत्र, हमें तुम्हारे मुंह पर जिज्ञासा दिख रही है, तुम यहाँ पर किस चीज का उत्तर पाने के लिए आए हो? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको हमारी मदद करनी होगी। पहले हमें समस्या तो बता दो। दरअसल शहर में एक डांसिंग लेडी घूम रही है जो कि पूरे शहर को कंट्रोल में करना चाहती है। वो जैसे भी किसी को वश में करती है वो भी डांस करने लगता है, रुकता ही नहीं है, और वो बहुत टाइम से हमारे एकदम पीछे पड़ गई है। हमने बहुत कोशिश की पर उसे पीछा नहीं छुड़ा पाए, वो कुछ ना कुछ करके वापस आ जाती है। अब हमें उसे खत्म करना है, कोई तो रास्ता बताइए। देखो बालक,
हम तो नहीं कर सकते हैं, पर हम तुम्हें मार्ग बता सकते हैं। मार्ग मतलब रास्ता ना? अरे हाँ, थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख लिया करो। बताइए बाबा जी, रास्ता बताइए बस। तुम्हें वो फूल प्राप्त करना होगा जिससे कि ऐसी महक आती है कि कोई भी भूत प्रेत उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और जब वो उसके पास पहुँचते हैं वो फूल उन्हें उसी जगह पर कैद कर देता है। इससे मैं उसे पकड़ सकता हूँ, पर खाली कैद करने से क्या होगा, मुझे उसे खत्म करना है। तुम उस फूल को किसी ऐसी जगह लेकर जाना जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़े। जब वो चुड़ैल उस फूल के पास होगी तो वो खुद ब खुद भस्म हो जाएगी। पर वो फूल मुझे मिलेगा कहाँ पर? वो तुम्हें जंगल के बीचों बीच एक नदी में प्राप्त होगा, पर ध्यान रखना वह आसपास खतरा भी है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों अब चलते यहाँ से। बस ये चीज काम कर जाए यार, पता चला वहाँ जाके पोपट हो गया। मैं उसके सामने फूल लेके गया और वो उसे बालों में लगा के घूम रही है। अरे यार थोड़ा छुप छुप बोलो ना, और जो करना है जल्दी करो, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम लोग अभी रुक नहीं सकते, हमें वो फूल किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। पर वो फूल हमें मिलेगा कहाँ पर? चौप तुमने सुना नहीं क्या, वो जंगल के बीचों बीच एक नदी में, और बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसके आसपास खतरा है। अब पता नहीं कैसा खतरा होगा वो, हम लोग वो फूल ले भी पाएंगे या नहीं। अरे नहीं नहीं, अगर वो फूल वहाँ पर है ना तो हम लोग किसी भी हालत में लेकर रहेंगे, भले हमारी जान को खतरा हो। अगर जान को खतरे में डालना है तो फिर हम उस चुड़ैल को मारने के पीछे पड़े क्यों है? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, कम से कम यहाँ पर एक दिन ही जान को खतरे में डालना होगा, वरना वो डांसिंग लेडी तो रोज हमारी जान को खतरे में डाल देती है। कम से कम इस रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिलेगा। हाँ शिनचैन तुम एकदम सही कह रहे हो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं भी शिनचैन भैया की बात से सहमत हूँ। मिंचन यार तो किसकी बात से सहमत नहीं होता, तेरे को लोग जो बोलते तू मान ही लेता है। हालांकि ये बात शिनचैन ने एकदम सही बोली है। आपको खाली डायलॉग मारना रहता है, कभी ऐसा नहीं कि हमने जो कहा है उसके हाँ में हाँ मिला लो। अरे मैं बस इतना बोल रहा था कि मिंचन ऐसा करता है, वो किसी के भी बात में हाँ में हाँ मिला लेता है। हाँ ये बात तो है, इसलिए तो मैं इसे चमचा कहता हूँ, ये किसी के भी सामने बुरा बनना चाहता ही नहीं है। अरे पर चौप भैया बुरा बन के मिलेगा भी क्या, मैं जैसा हूँ ना लोग मुझे पसंद करते है। ये तुम्हें किसने कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। क्या चौप, तुम मिंचन को पसंद नहीं करता? अरे मतलब वैसे नहीं, मुझे लगता है ये जानबूझ के इतना स्वीट बनने की कोशिश करता है, ये भी अंदर से शिनचैन जितना ही शरारती है। अरे होगा भी तो क्या हुआ, हर बच्चा शरारती होता है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने शिनचैन जितना शरारती देखा है कहीं पर? अच्छा ठीक है चल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो गाइस हम लोग जंगल के बीचों बीच तो पहुँच गए, वो नदी यही कहीं पर होनी चाहिए। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, अब पता नहीं वो फूल कौन सी नदी में होगा, अंदर होगा या बाहर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मैं चाहता तो नहीं हूँ तुमसे अलग होना, पर हम सबको अलग अलग जाके वो फूल ढूंढना पड़ेगा। ये जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। अरे यार ऐसा मत करो, उस चुड़ैल ने हमें वापस से किडनैप कर लिया। तू देख शिनचैन, आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को वापस से किडनैप कर ही लेगी और उसे अपने कंट्रोल में भी कर लेगी। इससे अच्छा यही होगा कि हम लोग अलग अलग जाके उस फूल को ढूंढे, अगर वो मिल गया तो क्या पता वो काम भी कर जाए। हाँ ये बात भी है। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया, अभी काम करो, वहाँ पर जाके ढूंढो, मैं इस साइड जाके ढूंढता हूँ, और चौप तुम उस साइड जाके ढूंढो। चलो यार गाइस अपन इस साइड जाके ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी मिल जाए यार, मैं थक गया हूँ इस चीज से। अरे मिंचन और चौप मेरी बात सुनो, देखो फ्रैंकलिन भैया के बाद सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो अब से तुम लोग मेरे ऑर्डर मानोगे। चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, कोई भी गायब नहीं होगा, हम लोग अलग अलग जाके नहीं ढूंढेंगे, वरना अगर उसने पकड़ लिया तो फंस जाएंगे। गाइस यार फाइनली वो फूल हमें मिल गया है, वो यही पर है, और मुझे लगता है कि वो बाबा जी जिस खतरे की बात कर रहा था ना, वो ये मगरमच्छ है जो कि फूल के चारों बाजू है। अब यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। शिनचैन चौप मिंचन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम जो ढूंढ रहे थे शायद मुझे वो मिल गया है। अबे यार कहाँ पर रह गए ढीले ढक्कन हो? अरे आ गई ना, इसमें ढीला ढक्कन बोलने वाली कौन सी बात थी, एक तो कीचड़ में बुलाया है, आधी पैर हमारे अंदर चले गए है। अबे यार तुम्हें गंदे पैरों की टेंशन हो रही है, जरा यहाँ पर देखो मुझे वो फूल मिल गया है। बस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके चारों बाजू मगरमच्छ है, तो हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो वो मगरमच्छ हमें खा ही जाएंगे। वैसे मेरे पास एक प्लान है, मैं उन्हें अपने पीछे भगा सकता हूँ, तब तक आप लोग जाके वो फ्लावर ले आना। अरे नहीं यार चौप, तेरी जान को खतरा हो जाएगा भाई, फिर तुझे कौन बचाएगा? अरे मेरी चिंता मत करो, आप उस फूल की चिंता करो। हे मगरमच्छो, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करके बताओ, तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। चलो जल्दी जल्दी भागता हूँ, वो लोग मेरे पीछे आए रहेंगे। अरे बापरे ये क्या हो गया, मेरा तो पैर फिसल गया था, जल्दी जल्दी उठना होगा, अभी तो सब गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा वो लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं, थोड़ा पानी साइड से भागता हूँ। चलो चलो आ जाओ डरपोक मच्छरों, और सॉरी मगरमच्छो। देख यार तो बेचारा इतनी हिम्मत रख के गया है, और उसका प्लान काम भी कर गया, वो सारे मगरमच्छ उसके पीछे चले गए। यही मौका है गाइस, जल्दी जल्दी जाते हैं उस फूल के पास और जाके उसे वहां से ले लेते हैं। ये रहा गाइस, क्या स्मेल आ रही है यार इसके अंदर से, क्या फ्रेग्रेंस है यार। चलो अब जल्दी से इसको यहाँ से उठाते और बाहर लेकर चलते हैं। मैं आ रहा हूँ शिनचैन और मिंचैन, वहीं पर रहना। चौप यार आज तो तूने कमाल ही कर दिया यार, आज का हीरो बन गया तू, सब लोग चौप के लिए कमेंट कर देना। अरे हाँ चौप, मुझे भी आज तुम पर नाज है, तुमने तो खुद की जान को खतरे में ही डाल दिया था। मुझे लगता है सबसे ज्यादा ना उस चुड़ैल से ना चौप ही थक गया है, वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। चलो यार अब इस फूल को लेके यहाँ से
निकलता है। अरे यार, एक तो अपने ये फूल है ना बीच की खिड़की में फंसा दिया है, बार बार मेरे हाथ को लग रहा है। शिनचैन यार थोड़ी देर एडजस्ट कर ले, देख रात हो गई है, मैं नहीं चाहता कि वो चुड़ैल अभी हमारे सामने आए। हमें इसे लेके थोड़ा दूर जाना होगा, ऐसी जगह जहाँ से वो भाग ना पाए। अरे मुझे लगता है ये जगह ठीक रहेगी, यहीं पर खड़े रहते हैं। नहीं रे तू पागल है क्या, ये शहर है, वो कहाँ पर गायब होगी हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें कोई खुली जगह चाहिए जहाँ पर दूर दूर तक आसपास कुछ ना हो। अरे काम करो आप बीच पर चलो। वाह यार शिनचैन क्या आइडिया दिया है। अरे वाह शिनचैन भैया आप तो बहुत ही समझदार निकले। अरे वो तो मैं पहले से ही हूँ। एक मिनट, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इससे अच्छी खुशबू आज तक मैंने नहीं सूंघी है। ये जो कुछ भी है मुझे चाहिए। खुशबू तो इस साइड से आ रही है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, मैं इस खुशबू का पीछा करूंगी। वाह क्या बात है, इसे सूंघ के तो मजा ही आ गया है। गाइस यार हम लोग बीच के काफी पास पहुँच ही गए, कुछ ही देर में वहाँ पर होंगे हम लोग। देखो सबसे बड़ी टेंशन क्या पता है कि सुबह होने में थोड़ा टाइम है और ये चीज काम करेगी सुबह। अरे क्या बात कर रही हो, फिर तो अगर वो अभी हमारे सामने आ गई तो? अरे तो क्या हो गया, वो मरेगी सुबह सूर्य के पहले किरण के साथ। पर ये फूल उसे कंट्रोल तो कर ही सकता है, उसे वहाँ पर कैद कर देगा। हाँ तो फिर ठीक है, वरना तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता। अरे कुछ रिस्की नहीं होगा, चलो बकवास बंद करो सब लोग, हम लोग पहुँच गए बीच पर, यही पर उतर जाते हैं। फूल को गाड़ी के अंदर ही रहने देते हैं, यहाँ से भी ये पूरा खुला दिखाई दे ही रहा है, पर इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है। अरे तभी तो वो भूत इस पर आकर्षित होंगे ना। अरे पर क्या पता ये उनको अट्रैक्ट कर भी रहा है या नहीं। देख अगर मैं तो होता ना तो इसकी तरफ खींचा चला जाता, मुझे लगता है ये काम तो करेगा। वरना तो बाबा जी को ये भी नहीं पता होता कि जंगल के बीचों बीच नदी में एक फूल है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक मिनट, ओ भाई साहब, गाइस ये तो सच्ची में यहाँ पर आ गई है। मुझे एक बात बताओ, ये फूल तुम कहाँ से लेकर आए हो? क्यों क्या हुआ, पसंद आ गया क्या? मुझे इसकी सुगंध बहुत पसंद आ रही है, इसने मुझे खुद की तरफ आकर्षित किया है। तुम एक काम करो, ये फूल मुझे दे दो। हाँ तुम्हारे लिए लाए है, पर तुम्हें देने के लिए नहीं लाए। तुम्हारा मतलब क्या है, फिर किस लिए लाए हो? यहाँ पर बागीचा खोलोगे क्या? बागीचा तो नहीं खोलना है, पर कांटे जरूर हटाने मुझे फूल से। अरे ये क्या बकवास कर रही हो, तुम तो कुछ और करने आई थी, अभी कांटे हटाने वाला काम कब से शुरू कर दिया? अरे यार डायलॉग मार रहा हूँ मैं, कांटा इसको ही बोल रहा था। तुमने मुझे कांटा बोला? नहीं कांटा भी देखा जाए तो खूबसूरत ही दिखता है, उसका भी एक आकार है, पर तुम डरावनी हो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको यहाँ से मार के ये फूल अपने साथ ले जाऊंगी। शिनचैन देख क्या बोल रही है ये, पता नहीं ये फूल काम भी करेगा या नहीं। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? देखो जहाँ तक हमें पता है इस फूल की मदद से तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगी। ये क्या बकवास कर रहे तुम? अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, मैं तो सच्ची में नहीं हिल पा रही हूँ। ये तुमने क्या किया मेरे साथ, मुझे किस घेरे में फंसाया है? मुझे यहाँ से जाने दो, अगर एक बार मैं यहाँ से निकल गई तो तुम सब मरोगे। याद रखना मेरी बात को, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे यार पहले हिल तो ले। गाइस यार ये फूल तो काम कर रहा है, और जरा देखो तो सही, देखते देखते सुबह भी हो गई है। सूर्य की पहले किरण तो इस पर पड़ चुकी है, मतलब के प्रकाश पर, इसे कुछ हुआ तो नहीं है। बाबा जी ने लगता है आधी बात ही सच बताई थी। अरे नहीं नहीं, जब इतना बताया है तो ये भी होगा। एक मिनट, ये कैसी आवाज है? ओ भाई साहब ये तो सच्ची में जल रही है, बाबा ने सही कहा था ये भस्म हो जाएगी। गाइस यार फाइनली हमने सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म कर दिया, ये फूल तो सच्ची में काम करता है यार। हमें इसको इसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है, प्रॉब्लम दूर हो गई, कल से नॉर्मल जिंदगी, सब लोग ठीक हो जाएंगे। अरे पर ये किसी दिन वापस आ गई तो? देख चौप, मुझे नहीं लगता कि अब ये वापस आएगी, और अगर आ भी गई तो हमें इस फूल के बारे में पता ही है, हम फिर से वही करेंगे। अरे तो फूल के बारे में तो इसे भी पता है ना, ये भी तो चौकन्नी रहेगी। देख यार अभी मुझे टेंशन मत दो, जो भी होगा ना देखा जाएगा, अब तो जो हुआ है उसकी खुशी मनाओ ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया एकदम सही बोल रही है, चौप भैया और शिनचैन भैया को भी खुशी मनानी चाहिए, देखा कितना अप्रिशिएट करता है ये। अरे ये तो करेगा ही ना, इसका तो यही तो काम ही। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, मेरी पर्सनल आईडी भी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।